नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। नेता, नियत और नीति, सवाल तो पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे आम जनता ये पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि अभी कांग्रेस का जो अभी हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ था और 90 दिन सरकार को हुए हैं, और इस ही बीच में बहुत अच्छी सरकार चलाने का दावा करने वाले और लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में अपने ही साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो हम कैसे मध्य प्रदेश में या देश में कांग्रेस फिर से एक बार ताकतवर रूप से ताकत के साथ उभरेगी, इस पर बहुत कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ये विषय भी हमारा यही है पब्लिक एजेंडा में कि जनता को ये पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, कहाँ कमी रह जाती है। बहुत अनुभवी हैं, बहुत मैच्योर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन पंचीलाल मीणा अगर ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ऐसा कर रहे हैं, आज कुछ ऐसे दृश्य सामने आए कि वो मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते समय कुछ पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री और कुछ कार्यकर्ता लोग पहुंचे और उनको वहां से मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए। मीडिया से पहले क्या कह रहे थे, चिट्ठी क्या, वो हमारे पास है, लेकिन क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? क्या संभल नहीं पा रहा है या नाथ सरकार संकट में है? नाथ संकट में, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देश में लगभग 3 माह की कमलनाथ सरकार के सामने ऐसे कई मौके आए जब उन्हें अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले अपनों की नाराजगी कांग्रेस के वोट बैंक में पलीता लगाने का काम कर सकती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राजनीति में मंझे हुए कमलनाथ ने नाराज विधायक को मनाने में सफलता पा ली है। दरअसल धार के धर्मपुरी से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा पिछले कई दिनों से अपने क्षेत्र में शराब की दुकानें हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में व्यस्त सरकार और मंत्री ने मेड़ा की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार नाराज विधायक पांचीलाल ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। विधायक के इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई और उधर कमलनाथ ने अपने नाराज विधायक को मना लिया। एसपी साहब को फोन लगाता रहा कि मेरे साथ जो घटना हुई वो आप उसकी विवेचना के अनुसार एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने कहा कि विवेचना करते रहेंगे और उसके बाद में 4 घंटे बाद एसपी साहब कहते हैं कि आप पिछले दरवाजे से आप चले जाओ। मैंने ये सारी बातें कल गृह मंत्री जी को बताई और गृह मंत्री जी ने सीएम साहब से भी मेरी बात करवाई। मैंने सीएम साहब से भी कहा कि मेरे साथ जो आबकारी के ठेकेदारों के द्वारा जो जायदादियाँ चल रही है वो मेरी जान को इनसे खतरा है और इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस मंच पर आज वो आदिवासी नेता कहते हैं जितना दायित्व बनता है, दायित्व आपको पूरे प्रदेश के प्रति और अपने समाज के प्रति ये आपका दायित्व है कि आपको आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं तो जगह जगह क्या कहा कि आदिवासियों ने साइकिल चलानी सीखी, मोटरसाइकिल चलानी सीखी, पर मुंह चलाना नहीं सीखा। यह पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ सरकार को अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ा हो। सरकार बनने की शुरुआत से लेकर कांग्रेस पार्टी के ही विधायक और सहयोगी दलों के विधायकों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराजगी, विभागों के आवंटन और विधानसभा स्पीकर के चयन जैसे कई मौकों पर कमलनाथ सरकार अपनों को मनाने में जुटी रही। वहीं सत्ता खोने के बाद बीजेपी भी लगातार मुद्दों और ऐसे मौकों की तलाश में है जब सरकार को घेरा जा सके। एक कांग्रेस के विधायक ने, सत्तारूढ़ दल के विधायक ने शराब माफिया से और उस विभाग के आबकारी विभाग के अधिकारियों से, प्रशासन पुलिस के अधिकारियों से ताड़ित होके कार से और व्यथित होके उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी के लिए दिया है। मैं मान के चलता हूँ कि तात्कालिक रूप से उसे रोका जा सकता है, उसकी गर्दन दबा के, गर्दन पकड़ के उसके लिए खींचा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं खींचा जा सकता, मन को नहीं खींचा जा सकता, सिद्धांत को नहीं खींचा जा सकता। और मुझे गर्व है कि जनजाति के और आदिवासी विधायक ने इस मुद्दे को उठाया। मध्य प्रदेश में पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 29 में से केवल 3 सीटों पर जीती कांग्रेस इस बार पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में है। इसके लिए कांग्रेस विन 29 फॉर्मूले पर काम कर रही है, लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर अपनों की नाराजगी से कांग्रेस के ज्यादा सीटों पर जीतने के सपने पर पानी फिर सकता है। इसके लिए जरूरी है नाराज विधायकों की मांगों पर सरकार ध्यान दे। डेस्क रिपोर्ट, DNN। कांग्रेस की अंतरकला का पूरा मजा ले रही है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो कह रहे थे
उन्होंने भी अंतरात्मा की आवाज पर अपने बेटे से ये कहा होगा कि अब टिकट के लिए हम जो ऊपर से निर्देश मिला है हम वापस ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें राजनीति में अंतरात्मा से होती हैं, लेकिन ये अवसर भी है, मौका भी दिया है। कांग्रेस ने यह प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिल जाए, मनाने की कोशिश तो की है, लेकिन इनके चाहे सेरा जी हों, चाहे एक बुंदेलखंड की एक महिला विधायक हों, जिस तरीके से निर्दलीय और अब पार्टी के लोग ही जितने खिलाफ हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं नाथ सरकार पर संकट है। और इतने गंभीर जिस तरीके के दावे किए जाते हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनके विधायक, उनकी पार्टी के विधायक को किसी शराब माफिया से जान का खतरा हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसी मुद्दे पर पॉलिटिकल एजेंडे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री महेश शर्मा जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अभय सिंह यादव हैं, प्रदेश महामंत्री हैं ये, अजय सिंह यादव, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे समूह के ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर हैं श्री कृष्णमोहन झा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम कृष्णमोहन झा जी से ही शुरुआत करना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे सरकारों की वर्किंग देखी है और बहुत सारे इस तरीके के असंतोष को भी आपने देखा है, ये जो असंतोष ये नाथ को संकट में ला रहा है। आपने देखा होगा, चाहे झारखंड में हो, उत्तराखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, 1969 में हो, तो जब जब अल्पमत की सरकार रही है ये स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, तो इसमें अपने ही लोग दबाव डालते हैं। आप देखिए, जब से सरकार बनी है, इंदर सिंह कसाना हो, हीरा अलावा हो, रणदीप सिंह जाटो हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, दर्जनों नाम हैं जो लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, और दबाव डाल करके ये उनका ये प्रयास रहता है कि जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाए। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रयास भी देखने को मिल सकते हैं, कभी बीजेपी के दफ्तर चले जाएं, कभी वो पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लें, पूर्व जो है वो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष से मिलें, तो इस प्रकार की चीज़ें बड़ी आम हैं, क्योंकि अब दबाव की पॉलिटिक्स है। ये जो समय है, अब आप देखिए सुरेंद्र सिंह सेहरा जो है कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को टिकट नहीं मिला तो मैं जो है बगावत कर जाऊँगा, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल समान है। तो ये सरकार जो है इसको पूरे टाइम जूझना पड़ेगा, चाहे वो किसी ढंग से बीजेपी भी सरकार बना लेगी तो उसको भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी, क्योंकि जब तक आपको पूर्ण बहुमत नहीं है तो अपनों से भी खतरा है, बाहरी से भी खतरा है, और पूरे समय जो है उसके ऊपर तलवार लटकती रहेगी। तो यही वजह है कि जो आज हमने जो घटनाक्रम देखा, उसके बाद फिर जो मान मनोवल का दौर चला और कमलनाथ जी ने साथ अपने कार्यक्रम में लेकर के चले गए पंचीलाल मीणा को, तो ये चीज़ें हैं। और आपको ध्यान होगा तो पंचीलाल मीणा वो है जो मीडिया की सुर्खियों में कैसे बना रहे हैं वो जानते हैं, पहले भी घटना हो चुकी, डीबी मॉल में जो घटना हुई थी उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रहे थे, उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी करवाई थी। तो ये जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रासंगिक जो है वो आगे भी ऐसा चलता रहेगा, और दबाव का जो पूरा हुआ है राजनीति है वो हमको देखने को मिलती रहेगी। जी, इससे झा साहब आपको क्या लगता है कि इससे नाथ सरकार पर संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तक अपन ने निर्दलीय का सुना था और ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे, ये तो अपने ही इनके ही आदमी हैं। और एक आपने जो उनका कसाना, ऐदल सिंह कसाना की बात करी, एक आदिवासी नेता इनके जो पहले किसी और जैस में थे इनके साथ जुड़ गए थे और आज वो भी धमकी दे रहे हैं, तो अपनों से ही खतरा हो, खासकर ट्राइबल सेक्टर से। देखिए, जो कमलनाथ जी की जो सरकार बनी है, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से देखा जाए तो कांग्रेस क्षेत्रपों पर रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इवन कांग्रेस भी इनकार नहीं करती। जब छत्तीसगढ़ था तो छत्तीसगढ़ में वीसी की राजनीति चलती थी, विंध्य में आप जानते ही हैं अर्जुन सिंह जी का दबदबा हुआ करता था, महाकौशल में कमलनाथ जी हुआ करते थे, ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया घराने का वर्चस्व रहता था, और इधर राजगढ़ और इंदौर की बात करें तो दिव्य सिंह जी का पूरा वर्चस्व था। तो कहीं ना कहीं टकराहट आप खुद देखिए कि जिस से जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से भी असंतोष देखने को मिला। अभी केपी सिंह जी जिस ढंग से दिग्विजय सिंह जी से मिले, उन्होंने कहा कि भाई मुझे पीड़ा तो है क्योंकि मैं बहुत पुराना विधायक हूँ और मेरे को मंत्री नहीं बनाया गया, इस बात की पीड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ा है अब वो दिखने लगी है, और इस पीड़ा का अब सार्वजनिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है, दबाव की राजनीति में उपयोग किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो अल्पमत की सरकार होती है उसमें इस प्रकार की स्थितियाँ हमेशा निर्मित होती रहती हैं। जी, चलिए हम महेश जी के पास आना चाहते हैं। महेश जी, खुश तो बहुत होंगे आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, खुद ही आपस में अंतर्कलह में जूझ रही है, आपके यहाँ भी बहुत सारा अंतर्कलह है, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको किस रूप में लेते हैं आप, आपको क्या लगता है कुछ रोल आपका भी है क्या इसमें? सुशील जी, बदलाव के बोल के साथ अल्पमत की जो सरकार अस्तित्व में आई मध्य प्रदेश के अंदर,
उसमें जिस प्रकार का अंतर्द्वंद पहले दिन से ही देखा गया, निर्णयों में असमंजस और पार्टी संगठन और विधायकों में जनप्रतिनिधियों में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद, ये लगातार पहले दिन से आज 100 दिन की सरकार होने को है लगातार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार किस ढंग से काम कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से एक विधायक आरोप लगाता है कि प्रदेश में शराब माफिया सक्रिय है और वो इस तरीके से सक्रिय है कि वो विधायक को जान से मारने की धमकी देता है, तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि कहाँ है वो बदलाव के बोल, जिन बदलाव के बोलों की आप बात करके मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया था, मध्य प्रदेश के किसान को आपने गुमराह किया था, कर्ज माफी के नाम पे आज किसान रो रहा है, युवा आपके जो बैंड बजाने और पशु चराने जैसी बातें आपने जिसमें लगाया उसको वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो एक अल्पमत की सरकार आई है वो विफल होती हुई दिखाई दे रही है। इतने रिकॉर्ड टाइम में 3 माह में लोगों का विश्वास उठ जाना निश्चित रूप से ये मुझे लगता है सरकार के जो बैठे लोग हैं इनको सोचने की आवश्यकता है। महेश जी, पकौड़ा तलना और बैंड बजाने में आपको कितनी सामंजस्य लगता है? आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक व्यवसाय है पकौड़ा तलना भी। बिल्कुल निश्चित रूप से व्यवसाय छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से आपने बदलाव के बोल दिए थे और उस समय पकौड़ा तलने पे आपने हाहाकार मचाया था और आज आप बैंड बजाने और सांप पकड़ने की ट्रेनिंग देने की बात करते तो ये दिखाई देता है। देखिए, हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जैसी जिसकी योग्यता वैसा उसको काम, उस आधार पर इतने होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज को आप अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज जो मध्य प्रदेश के हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 114 के अल्पमत के साथ आप सरकार में हो, एक एक विधायक आपको बटोरना पड़ रहा है, जिस प्रकार सरकार में नहीं, देखिए अभी तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला ना। बिल्कुल, हमने तो उसको स्वीकार किया है, हमने उसको पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है। विपक्ष की भूमिका में हम हैं, जनता की हर आवाज को हम सदन से लेके सड़क तक बुलंद करने का काम कर रहे हैं, वो जनता ने हमको जिम्मेदारी सौंपी है। ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसमें लोकसभा में आपको फायदा मिलेगा? देखिए, फायदे नुकसान से इतर मैं ये मानता हूँ कि 7.5 करोड़ जनता जो मध्य प्रदेश की है उसने आपको ये नौटंकियां करने के लिए जनादेश नहीं दिया है, जनादेश काम के लिए दिया है, तो श्रीमान कमलनाथ जी को काम करके दिखाना चाहिए। अजय यादव जी, आपको काम करने के लिए सरकार में बैठाला है, आपकी सरकार है काम करने के लिए है, तो इस तरीके से अपने लोग ही नाराज हो रहे हैं, इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नाथ का सिंहासन खतरे में है? देखिए, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है, कांग्रेस के वचन पत्र के ऊपर विश्वास किया है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। हमने 3 महीने के अंदर अपने 83 बड़े वायदे पूरे किए हैं, वचन पत्र के लगभग 70% वायदे हम पूरे कर चुके हैं। हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ करके नरोत्तम जी आज कह रहे हैं कि सब फर्जी लिस्ट, देखिए कोई कुछ भी कहे, हमने सूची पब्लिक डोमेन में दी है। मैं नरोत्तम जी को भी और सभी मीडिया को भी चुनौती देता हूं कि उस 25 लाख की सूची में से किसी भी नाम को खड़ा कर दें कि वो नाम फर्जी हो। हमने पब्लिक डोमेन में दी, आपके चैनल को चाहिए आपको भी दे देंगे, आप उसमें से कोई नाम सिद्ध करिए कि ये नाम गलत है या फिर ये पैसा गलत है। हमने नरोत्तम जी को भी सूची दी लेकिन वो हमारे सामने फोन करने से मुकर गए। हम स्वयं गए उनके पास कि आप इन किसानों को फोन लगाइए, इनमें से कोई कह दे कि मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ है। कह रहे हैं वो आपके कार्यकर्ता हैं सब। तो अरे भाई, 25 लाख कार्यकर्ता हैं हमारे सारे, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है अगर नरोत्तम जी इस तरह की बात कर रहे हैं। भाजपा के 25 करोड़ हो गए थे। देखिए, हम कर्जा माफी की सूची की बात कर रहे हैं, 25 लाख किसानों की कर्जा माफी की सूची हमने पब्लिक डोमेन में जारी करी है, बचे हुए 30 लाख का हम आचार संहिता के बाद माफ करेंगे, ये भी हमने वचन दिया है। रही बात स्वरोजगार की, उसमें विभिन्न योग्यताओं के, देखिए पंचीलाल मीणा है जी, बिल्कुल देखिए पंचीलाल मीणा थे जब आप बैंड बजा रहे थे तब आप भूल गए थे क्या कि मुद्दा क्या है। देखिए, दूसरी बात, आपने स्वरोजगार की बात करी, विभिन्न योग्यताओं के स्वरोजगार होते हैं, हमने ऑफिस असिस्टेंट से लेके बैंड बजाने और पशु चराने तक का रखा है। हमें उस आदमी को भी रोजगार देना है जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हमने ऑफिस असिस्टेंट की भी रखी है। चलिए, आपके बहुत सारे वादे पूरे किए, इसलिए कि हमने उनके लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए रख दिया है। दूसरी बात, पंचीलाल मीणा जी की बात है, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, फेलियर मानते हैं आप मुख्यमंत्री जी का। देखिए, मध्य प्रदेश की फेलियर वाली बात तो बाद में आएगी। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में रेत माफिया और शराब माफिया पे हमला कब हुआ? रेत माफिया और शराब माफिया इतना हावी हो गया है कि रेत माफिया के आगे पूरा प्रशासन और शराब माफिया के आगे नतमस्तक रहा है इस मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री भी नतमस्तक हो गए। मुरैना में एक आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की हत्या माफिया ने करी है इस प्रदेश के अंदर। शराब माफिया का इतना बोलबाला है
कि प्रशासन आज विधायक की बात नहीं सुनी गई, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को धमकी दी जाती है जान से मारने की धमकी, काफिले पे हमला होता है, उनके काफिले पे हमला होता है। आपके ये पंचीलाल मीणा जी आपके सामने कह रहे हैं, बिल्कुल सही, आपका सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिस्टम एक दिन का नहीं है, 15 साल का माफिया है। हमारी सरकार 3 महीने में इस सिस्टम को खत्म कर रही है। ये माफिया मध्य प्रदेश में छटपटा रहे हैं, किसी भी तरह से अपना प्रेजेंस बचाना चाहते हैं। वो लोग आज उंगली उठा रहे हैं जिनने 15 साल में जिन्होंने अपहरण उद्योग बना दिया सरकार में आते से ही, खतरा में दो दो मासूम मारे जाते हैं, इसमें अपहरण उद्योग बन गया मध्य प्रदेश में, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपहरण की वारदात में बली है पिछले 3 महीने में। हमने जनता ने देखा है मीडिया के माध्यम से, हम आपके पास आएंगे। बौखलाहट है जिनका 5% मत कम होता है, 65 सीटें कम होती है, और वो अपने आप को जीता हुआ बताने की कोशिश करते हैं। ऐसी पार्टी के सामने हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया है। हम कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनाएंगे, हमें सभी मामलों में महिला अपराध, सभी तरह के आईपीसी अपराध, सब में प्रदेश देश में अव्वल नंबर पे मिला है। उसके बाद हम इस चीज का आड़ नहीं ले रहे, हम इस चीज को सुधारेंगे, सुरक्षा नहीं कर पा रहे, हम सुधारेंगे। और ये माफिया राज, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, या अन्य तरह के भारतीय जनता पार्टी का माफिया जी, हो, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण है। किसने चलाया है अजय जी, ये सभी प्रदेश के और देश की जनता ने लंबे समय तक देखा है। आपके पास आऊंगा अजय जी, एक चावल से मैं अपनी बात इसलिए आपको समझा दूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का माफिया इसलिए बोला क्योंकि चाहे मंदसौर का मामला हो, चाहे इंदौर का ट्विंकल डागरे मामला हो, चाहे सतना के मामले, इनमें अपराधी भी भाजपा के लोग निकल रहे हैं कि भूल गए सिंह जी, इसलिए आपकी सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई, अगर उसमें कुछ था तो भूल गए, कार्रवाई क्यों नहीं करी, कौन था उसमें अपराधी, 15 साल आपकी सरकार ने हमारे साथ कृष्णमोहन झा जी हैं, हम कृष्णमोहन झा जी के पास आ रहे हैं। अजय जी समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा है। मैं माध्यम से जवाब चाहता हूँ, ये सरला बच्चन की बात कर रहे हैं, आप बताइए 15 साल में आपने क्या कार्रवाई करी, वो अभी दिग्विजय, अभी 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 दिग्विजय सिंह जी ने पूछा, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे सरकार पर, मिस्टर बंटा ढार पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, ऐसा कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह जी को शिवराज जी ने कहा था। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी ने यह पूछा कि 15 साल आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, तो इस पर यह जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ये तो ऐसा लगता है कि नूरा कुश्ती जैसी चलती है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं कृष्णमोहन झा जी, हम उनसे जानना चाहते हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, भ्रष्टाचार के मुद्दे और दूसरे मुद्दे, ये सरकारें आपस में एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाती हैं। केंद्र में मनमोहन सरकार पे भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, झा साहब ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, 5 साल में किसी को भी जेल नहीं भेज पाए, सब बाइज्जत बरी हो गए। इसके पहले दिग्विजय सिंह सरकार में और अभी उसके बाद भाजपा सरकार में भी बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए, लेकिन कांग्रेस भी अब तक व्यापम हो या कोई मामला हो, किसी की फाइल आगे नहीं बढ़ती, तो क्या नूरा कुश्ती होती है आपस में? देखिए, आपने देखा होगा कि विधानसभा के पटल में जिस ढंग से मंदसौर गोलीकांड को क्लीन चीट देने की बात कही गई जी, चाहे वो सिंह घोटाले को लेकर के क्लीन चिट की बात कही गई जी, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष में जब रहते हुए जिस ढंग से इन्होंने तेवर दिखाए थे और लग रहा था कि सत्ता पे आने के बाद कुछ बड़ा करेंगे, यही ऐसा कुछ आरोप लगाते थे, यही सब बात समझ में नहीं। और आप देखिए जो आज की जो घटना हुई है, बड़ी चिंतनीय घटना है जी, यदि हम इसको राजनीतिक एंगल ना दें या दूसरे ढंग से देखें तो लाइन ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आप अपने विधायक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने विधानसभा उपाध्यक्ष की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, और आप देखिए कि किस ढंग से किडनैपिंग हुई, किस ढंग से हत्या हुई मासूम बच्चों की, तो ये जो घटनाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं सरकार बड़ी दिक्कत में। और आप देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दिन जो आज 3 महीना हो गए, इन 3 महीनों में सरकार ने ना किसानों का दिल जीत पाई, ना अपनों का दिल जीत पाई, ना अधिकारियों का दिल जीत पाई। लगातार जिस ढंग से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप देखिए आज SP है, कल उसको बटालियन में डाल दिया जाता है, फिर उसको कहीं का SP बना दिया जाता है, फिर यानी एक एक व्यक्ति के 4-4 बार इन्हें ट्रांसफ़र किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति काम करने वाला है इससे बड़ा हतोत्साहित हो रहा है। अब जैसा कि अजय जी ही कह रहे थे कि माफिया, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, बहुत सक्रिय है, तो क्या वजह है कि अब 3 महीने में आपने कहा था कि हम तो बिल्कुल एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी कर देंगे, सारा कुछ बेहतर कर देंगे, तो 3 महीने में आपने क्यों नहीं कर दिया? क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि आज आपके विधायक को सार्वजनिक तौर पर के मीडिया के सामने आकर के बात करनी पड़ रही है, फिर मान मनोबल का दौर हो रहा है, फिर आज आज जिस ढंग से मंत्री ने आपके विधायक को उठा कर किडनैप करके ले गए मीडिया के सामने, जिस ढंग से
पकड़ा, यानी उसको हम कह सकते हैं कि किडनैपिंग ढंग से की गई, तो ये भी वो बात नहीं। क्या आवश्यक, क्या चीज़ें हैं, कहाँ आपकी कमियाँ हैं, क्यों आपने इसका चिंतन नहीं करी? आपने DGP बदल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के बदलाव के बाद भी समाज में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आप जिनको माफिया कहते हैं, जिनके साथ ऐसी अव्यवस्था की, अपराधी हैं, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? ये जिम्मेदारी तो बनती है कमलनाथ जी की, और एक सवाल भी बनता है जनता की तरफ से कि आखिर आपको पता है कि आपका विधायक जब सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका नेता जो उपाध्यक्ष है विधानसभा का, तो बाकी प्रदेश की 725 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? ये बिल्कुल वाजिब है जहाँ साहब आपका कहना, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं का चुनाव पर असर पड़ता है? पंचीलाल मीणा के साथ जो हुआ उससे ट्राइबल मतदाता बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारी सीटें हैं, इस पर असर पड़ेगा? देखिए शिशिर जी, क्योंकि ट्राइबल को मैंने बहुत करीब से देखा और आपने भी देखा है, पिछले 20-25 सालों से मैं बहुत करीब से देखता आया हूँ उनकी स्थितियों को देख करके। तो जो आज हालात हैं, आज कमलनाथ जी ने भी एक बड़ा वो कहा है कि अब साइकिल चलाना सीख गए, मोटरसाइकिल चलाना सीख गए, पर बोलना नहीं सीख पाए हो, तो क्या कारण थे, क्यों बोलना नहीं सिखाया आपने? यदि बोलना सिखाया होता, चाहे वो BJP हो कांग्रेस हो, खाली आपने दोयम दर्जे का व्यवहार किया, आपने खाली वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया। जब वो जब बोलने लगता है तो उसको किनारे कर देते हो। आप देखिए, आप मेरे को सशक्त आदिवासी लीडर तो दिखा दीजिए, कांग्रेस का हो या BJP का हो, कोई दो लीडर आप मेरे को निकाल के दे दीजिए देश के अंदर पे जो सशक्त हो। तो जब आप उनको बोलना नहीं सिखाओगे, उनके लीडरशिप मजबूत नहीं करोगे, तो स्थिति क्या होगी? आज आखिर ये दर्द क्यों छलका पंचीलाल मीणा का? कहीं ना कहीं वो कहीं ना आहत हुए होंगे, उनके साथ अन्याय हुआ होगा, नहीं तो कोई भी अपने अभी सरकार राहुल गांधी को वो स्टेटमेंट याद करना चाहिए कि अगर एक भी आम आदमी ने शिकायत की कि उसके साथ ऐसा नहीं है तो तुरंत मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये सोचना चाहिए उनको, क्योंकि ये जो शिकायत हुई है पंचीलाल मीणा की, ये कहीं ना कहीं अपने तंत्र से, अपने मुखिया से है, अपनी सरकार से है। देखिए शिशिर जी, कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति आप खुद जानते हैं कि 1980 में जब वो पहली बार सांसद बने थे, उस समय जो उनका कैडर था किसी केंद्रीय मंत्री से भी बढ़ करके था, यानी उस समय भी तीन हाथ माने जाते थे जो इंदिरा गांधी के होते थे, उसमें राहुल गांधी और राजीव गांधी, संजय गांधी और कमलनाथ, ये तीन लोगों का नाम हमेशा हुआ होता। तो ये इतने अनुभवी नेता हैं, यानी सर्वमान्य नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे BJP के, बड़े सर्वमान्य नेताओं में से। तो उनसे ये उम्मीद की गई थी कि सबको साथ लेकर के जिस ढंग से एक व्यवस्था चलेगी, तो आज उसकी जो पोल है वो कहीं ना पंचीलाल मीणा ने खोल दी है। और आप देखिए जिस ढंग से हीरा लावा हो, चाहे एंदल कसाना हो, चाहे KP सिंह हो, जिनका दर्द जिस ढंग से छलक रहा है, तो ये इस बात को बयां कर रहा है कि इस सरकार में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो आज आपका मुद्दा है, कहीं ना कहीं संकट पे नाथ बने हुए हैं। और जो आपने कही लोकसभा में, मेरे को लगता है कि लोकसभा में निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, खासतौर पर ट्राइब क्षेत्रों पर, क्योंकि ट्राइब में एक बात है कि उनका वो उनमें जो एक साथ जो फतवे टाइप की बात होती है कि उन्होंने कहा तो सब एक साथ उसको अमल में लाते हैं, तो आदिवासियों में इस बात का बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि उनके एक नेता के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चलिए महेश जी, हम अजय जी के पास आएंगे, उसके पहले आप जो स्थिति बनी है कमोबेश, वो सारी की सारी स्थिति, 3 महीने में आप जादू का डंडा तो नहीं है, 15 साल में आप लोग नहीं कर पाए जो चीजें, 15 साल में आप नहीं रोक पाए, वो 3 महीने में कैसे अपेक्षा करते हैं आप कि कोई जादू की छड़ी घुमाए और सारे माफिया खत्म हो जाए, सारा अपराध खत्म हो जाए? आपकी सरकार में ही महिलाओं पे अपराध में नंबर वन देश में, दूसरे अन्य अपराधों में, ये जो कुपोषण में नंबर वन, बहुत सारे मामलों में नंबर वन था, अच्छे मामलों में भी नंबर वन रहा है, लेकिन इनको रोकने के लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई जादू का डंडा होगा? देखिए जैसे कि जादू के डंडे वाली बात नहीं है, दिग्विजय सिंह के समय भी इसी प्रकार की स्थितियां थी, उसके बाद NCBR के जो आंकड़े आए उसमें भी हमने कुपोषण के मामले में जितना काम किया तो निश्चित रूप से हमने उसको घटाने का काम किया है। महिला अपराधों के लिए कानून बनाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसने फांसी का कानून बनाने का काम किया जो आज देश भर में लागू है। ये दिखाई देता है कि हमारी मंशा बहुत स्पष्ट थी, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे ही हम काम करते थे, लेकिन जिस प्रकार से 3 महीने में आते से ही एक ग्राफ बढ़ता है, अपहरण उद्योग एक बन जाता है मध्य प्रदेश के अंदर जो शांति का टापू कहलाता है, और ये शांतिलाल वो पांजीलाल मीणा जी के साथ जो हुआ विधायक, ये तो मुझे लगता है एक उदाहरण मात्र है। लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए आप, जिस प्रकार का अंतर्द्वंद एक विस्फोटक रूप कांग्रेस सरकार के अंदर लेने वाला है, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव निपटने के बाद आपको इस मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। ये तो एक उदाहरण मात्र है मीणा साहब, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे KP सिंह जी हो, इंदल कसाना हो, जितने भी नाम रमाबाई हो, खेड़ा जी हो, जितने भी नाम हमने अभी चर्चा में लिए हैं, ये सारे लोग एक विस्फोटक के रूप में कमलनाथ जी के सामने एक बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद रहे। आपकी पार्टी में शांति है? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में, देखिए टिकट वितरण की यदि आप बात कर रहे हैं तो शिशिर जी 11 करोड़ लोगों का परिवार है भारतीय जनता पार्टी, टिकट वितरण जब करना पड़ता है तो 11 करोड़ लोगों का परिवार हो गया। देखिए
अगर कांग्रेस में हुआ तो वो संवाद करना अलग विषय है, जान से मारना ये बहुत गंभीर बात है। आपका इस्तीफा दे रहा है, आपके महापौर इस्तीफा दे रहे हैं, आपका जिला भाजपा का अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है। देखिए दल बदल मुझे लगता है चुनाव के समय एक सामान्य प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते बहुत सारे लोग मुझे लगता है दल का ये वो जो मतलब उसका दिया हुआ एहसान है उसको भूल जाते हैं। पांच पांच बार यदि हम सांसद किसी को बनाते हैं और महापौर जैसी जिम्मेदारी देते हैं तो उस कार्यकर्ता का भी फर्ज बनता है कि वो संगठन के विषय में सोचे। पांच बार सांसद होना कोई मामूली बात नहीं होती चिचिर जी। जी, और जो सिंगरौली में आपके जिला अध्यक्ष ने रीति पाठक तो पहली बार की थी, उनके ही असंतोष कहीं ना कहीं है, ये नुकसान उनसे संवाद होकर बात हो गई है और कांत जी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। चलिए अजय जी, आपका ये कहना है कि बहुत बड़ा परिवार है, ऐसा होता रहता है, आप भी ऐसा बयान दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असफलता तो है आपकी पार्टी की। 3 महीने भले हुए हों लेकिन इतने मैच्योर कृष्ण मोहन झा जी ने जो बात कही है वो हर जगह चर्चा हो रही है। इतना मैच्योर, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहा, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनसे बड़ी अपेक्षा की जाती थी कि बैलेंस चलेगा। जैसी आपने झा जी की बकौल, जैसा आप लोगों ने तबादले को रात दिन ट्रांसफर, एक बार में निर्णय नहीं किया जा सकता, एक बार में कलेक्टर एसपी को समझाया नहीं जा सकता कि गाइडलाइन क्या है, कमलनाथ जी क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, कभी हटाते हैं कभी, जितने आप हटाते हैं उससे मतलब ट्रांसफर करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, तो ये आम जनता के बीच गलत मैसेज नहीं जा रहा है? देखिए मध्य प्रदेश में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रशासन और अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को हटाया गया और आगे जरूरत पड़ेगी तो और भी हटाए जाएंगे। इससे आप ही ट्रांसफर करते हैं जनवरी में और उसके बाद फरवरी में हटा देते हैं। देखिए कई बार आवश्यकता होती है तो वो रद्द भी किए जाते हैं। 2003 में जब उमा भारती जी मध्य प्रदेश में आई थी, हाँ। इससे ज्यादा पैमाने पे ट्रांसफर हुए थे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। 15 साल में क्योंकि अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। महेश जी शांति से सुनना सीखिए। देखिए मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूँ महेश जी, देखिए संयमित संयमित व्यक्ति की तरह बर्ताव करिए, रोड छाप व्यक्ति की तरह बात मत करिए। वो जनता तय करेगी, आप तय करने वाले कोई नहीं होते। जैसे मेरी बात भी आप तय करेंगे कौन किस छाप है, गलत तय करेंगे। महेश जी अजय जी बात कर रहे हैं, देखिए गलत बात कर रहे हैं आप, इस तरह की बात में फिर मुझे इनके साथ मत बुलाया करिए प्लीज। जनता तय करेगी कौन किसके साथ है, गलत तय सुनी ना अजय जी, बात पूरी होने दीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। अजय जी मैं आपको नहीं टोकता, अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात के बीच में नहीं टोकता हूं, आप मेरे बाद में बोलिए। ये तरीका ये होता है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देना जी, चाहते जी, आप मेरे बात बोलिए, जो चाहे जवाब दीजिए। बात ही नहीं कर रहे हैं, जब ट्रांसफर उद्योग आप बनाते हैं मेरे बात बोलिए ना। अजय जी, अजय जी, महेश जी, ऐसे लॉ ऑर्डर ले जाकर काम आपकी सरकार की समय की कमी है, प्लीज जनता देख रही है। देखिए संशोधन होना, देखिए इस तरह की बातचीत नहीं की जाती है, एक अच्छे संयमित व्यक्तियों को बुलाया करिए आप, मैं आपके चैनल को सलाह दूंगा। दूसरी बात, आपका संयम मैंने देखा है कई चैनलों पर, मैंने अपने साथ ही देखा है, वो मुझे सब जानते हैं कैसा संयम है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई अधिकारी कर्मचारी कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे थे, इसलिए उनको हटाना कर्मचारियों को भी आप हमारा में बांट दीजिए, हमारा दायित्व मध्य प्रदेश में अपमान करके प्रदेश में महिलाओं के अपराध में प्रदेश के कर्मचारियों का जब अपमान करते हो 15 साल बाद माफी मांगनी पड़ती है। 64 मामलों में अपराधियों को बरी किया गया, राजनीति करने के लिए आपने फांसी की सजा की बात की और मध्य प्रदेश में एक भी फांसी नहीं हुई आज तक, ऐसा प्रदेश कोई नहीं हो सकता है इस देश में। दूसरी राजनीतिक बात है, आदिवासियों की नेतृत्व हमने दिया, जमुना देवी शिव भानी सोलंकी को हमने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री तक बनाया, आज भी मध्य प्रदेश में गृह जैसा मुख्य विभाग बाला बच्चन जी को हमने दिया हुआ है। आप बीजेपी ऑफिस जाइए, देखिए क्या प्रूफ है आपके पास की अर्जुन सिंह से ज्यादा वोट मिले थे, बताइए क्या प्रूफ है आपके पास। ये जो स्थिति हुई है उससे कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, अगर आदिवासी नाराज हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये कमलनाथ का कुशल नेतृत्व की जो बात की जाती है वो मुखिया के रूप में असफल होते नजर आ रहे हैं, ये इन घटनाओं से इंगित हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री महेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस से श्री अजय सिंह यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आम जनता को पता होना चाहिए कि जनता हमारे माननीय क्या सोचते हैं, और ऐसे ही मुद्दों को लेकर डीएनएन पब्लिक एजेंडा में आपके साथ आता है, बने रहिए डीएनएन पर। नमस्कार।